सरमद के साथ जो कुछ हुआ है इन्होंने फैसला कर लिया है कि वो पाकिस्तान छोड़ देंगे, यहाँ तैयारी करते हैं। लेकिन इनकी माँ आ जाती है, ये सारा मामला सुनती है। यहाँ शाहजे की वालदा सब इनको बताती है कि सबरीना ने शादी कर ली है अपने बॉयफ्रेंड के साथ। मुहिब और सबरीना दोनों एक दूसरे को पसंद करते थे। यहाँ सरमद को वो बेवकूफ़ बना रही थी। यहाँ इनकी वालदा काफ़ी गुस्से में आ जाती है। फिर यहाँ माजी को काफ़ी दुख है कि सबरीना को मैंने घर से निकाल दिया, उसके साथ काफ़ी बुरा रवैया मैंने अख्तियार किया। मुझे लगता है कि सबरीना ऐसा कदम नहीं उठा सकती थी। लेकिन यहाँ इनकी बेटी काफ़ी गुस्सा करती है इनके ऊपर, उनका पूरा मूड ख़राब हो जाता है। कॉफ़ी बनाते हुए उसको फेंक देती है। लेकिन यहाँ देखती है कि सरमद की वालदा इनके घर आती है। यहाँ वालदा से बात करती है कि आपने इतना बड़ा फैसला कर लिया और मुझे बताया भी नहीं। हमें खुद इस बात का अंदाज़ा नहीं था जो उस वक्त हालात थे। उस वक्त हमारे पास और कोई चारा नहीं था, उस वक्त हमने इनकी शादी करवा दी। सबरीना के डैड बोलते हैं जैसे सबरीना मेरी बेटी है वैसे ही शाहजे भी मेरी बेटी है, और शाहजे पसंद करती है सरमद को। यहाँ शाहजे काफ़ी खुश हो जाएगी कि जैसा इन्होंने प्लान किया था अबीरा ने और इन्होंने वैसे ही हुआ है सब कुछ। अबीरा के घर पर ये कौन आया है रिश्ता लेके? यहाँ हारून अपनी वालदा को लेकर आए हैं अपना रिश्ता लेने के लिए। हारून की वालदा अबीरा की वालदा को बोलती है कि मेरा बेटा आपकी बेटी को काफ़ी पसंद करता है, मैं चाहती हूँ ये दोनों एक दूसरे को पसंद करते हैं, यहाँ मैं आपके हामी पूछना चाहती हूँ। यहाँ इनकी वालदा भी राज़ी हो जाएंगी। लेकिन जब ये बात पता चलेगी मुहिब को तो यहाँ मुहिब काफ़ी गुस्से में आ जाएंगे और यहाँ तस्वीर उठा के फेंक देंगे। अब देखना होगा मुहिब को क्या अंदाज़ा हो जाएगा कि अबीरा ने इनको धोखा दिया है। वो खुद चाहती थी कि रिश्ता ख़त्म हो जाए, लेकिन यहाँ सबरीना मुहिब को संभालने की कोशिश करेंगी, लेकिन मुहिब इनको पीछे हटा देंगे। लेकिन यहाँ कब तक मुहिब सबरीना को इग्नोर करते रहेंगे? एक न एक दिन मुहिब को प्यार हो जाएगा सबरीना से। लेकिन यहाँ काफ़ी जलेंगी अब अबीरा। इन दोनों की बॉन्डिंग देख के सबरीना की ज़िंदगी में सिर्फ एक ही मकसद होगा, वो भी मुहिब को अपने पैरों पे खड़ा कर दे। सबरीना दिन रात लगा देंगी सिर्फ और सिर्फ मुहिब किसी भी हाल में ठीक हो जाए। मुहिब जब अपने पैरों पे खड़ा हो जाएगा तो यहाँ अबीरा काफ़ी पछताएंगी कि इन्होंने क्यों छोड़ दिया इनको। लेकिन यहाँ सबरीना मुहिब को क्या पछतावा होगा कि उन्होंने काफ़ी बड़ी गलती कर दी सबरीना को छोड़ के? तो ऐसी और भी अपडेट आपको मिलती रहेगी, तो प्लीज़ वीडियो को लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए।